वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद में। आज भारत की पहली रैपिड रेल की शुरुआत हो रही है और ये सेक्शन दिल्ली से मेरठ के बीच है, जिसके पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस 17 किलोमीटर के सफर को तय करने में महज कुछ मिनट लगेंगे और जब ये रेल परियोजना पूरी होगी तब सिर्फ एक घंटे में दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल के जरिए पहुंचा जा सकेगा। नमो रेल इसका नाम रखा गया है और इसके जरिए नमो भारत इस रेल का नाम है और इसके जरिए पूरे एनसीआर क्षेत्र के विकास की नई संभावनाओं की शुरुआत होगी। ये रेल मेट्रो और रेल का एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें सुविधाएं मेट्रो रेल वाली होंगी और गति और दायरा भारतीय रेल वाला होगा। अधिकतम गति होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गा पूजा के अवसर पर इसको देश को समर्पित करने जा रहे हैं। यह अपने आप में एनसीआर के विकास के लिए बहुत अहम परियोजना है, जिससे विकास का दायरा दिल्ली से पढ़कर मेरठ तक का हो जाएगा और एक पूरी सेक्टर डेवलप होगा। गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक के 17 किलोमीटर के सेक्शन का आज प्रधानमंत्री शुरुआत करने वाले हैं। जरा आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि किस तरीके से इस ट्रेन का मैप क्या है, कौन कौन से वो स्टेशन पड़ेंगे, तो ये अपने आप में एक नए युग की शुरुआत आप कह सकते हैं, जिसमें विकास सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है बल्कि महानगरों के दायरे में आने वाले एनसीआर क्षेत्र तक को विस्तृत तौर पर विकसित करने की इस योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके पहले फेज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि 17 किलोमीटर के सफर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार यात्रा करेंगे, दुहाई तक जाएंगे, वापस आएंगे और उसके बाद यहां साहिबाबाद में आकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और 21 अक्टूबर, जी हां, वो तारीख होगी जब कल से आम जनता इस रैपिड रेल का इस्तेमाल कर जाएगी। तो आपको बता दें कि किस तरीके से ये रैपिड एक्स काम करती है, या कहें कि रैपिड रेल काम करती है, क्या सुविधाएं हैं, किस तरह की गति है और कैसे ये आधुनिक भारत की तस्वीर खींचती है। आइए आपको एक दिखाते हैं रिपोर्ट, जिसको देखकर आपको एहसास होगा क्यों ये रैपिड रेल खास है। रैपिड ट्रेन के अंदर आपका स्वागत है और ये स्वागत खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मेरठ से दिल्ली तक का सफर करते हैं। अब आप बेहद आसानी से बिना भीड़ के भारत की पहली जो प्रीमियम एक ट्रेन बनाई गई है, जिसका नाम है रैपिड ट्रेन, उसके अंदर सफर कर सकते हैं। इस वक्त हम सफर कर रहे हैं, आप बाहर की तस्वीरें देखिए, इंडिया टीवी आपको तस्वीरें दिखा रहा है। हम साहिबाबाद यानी कि जो पहला फेज है, साहिबाबाद से दुहाई तक का सफर हम तय कर रहे हैं। स्पीड आप देख लीजिए, स्पीड का जो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाहर की तस्वीरें देख के। स्पीड की अगर हम बात करें तो जो इसकी डिजाइन स्पीड है 180 की, इसकी डिजाइन स्पीड है 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो रैपिड ट्रेन है वो चलेगी। आप सोचिए आपका सफर कितना आसानी से कट जाएगा। मेरठ से अगर आप दिल्ली गाड़ी से आते हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा अभी भी लगता है, लेकिन मात्र 40 से 45 मिनट में आप सीधा सरायकेला पहुंच जाएंगे, न्यू अशोकनगर पहुंच जाएंगे। और इस वक्त मैं इस ट्रेन में बैठा हुआ हूं और आप देखिए स्पीड से ट्रेन चल रही है, बेहद आसानी से, बेहद कंफर्टेबल होके, बिल्कुल गद्देदार इस तरह की सीटें हैं, इन पर हम बैठे हुए हैं। मैं और मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा जो है वो प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं इस रैपिड ट्रेन को अंदर। अगर हम इसकी नॉर्मल स्पीड की बात करें, 180 किलोमीटर तो इसकी डिजाइन स्पीड है और 170 जो इसकी स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड रहेगी जब ये ट्रेन चले करेगी। एक दूसरे जो इसका स्टेशन है वहां पर हम पहुंच रहे हैं, अलग अलग स्टेशन है। साहिबाबाद से इसकी शुरुआत हुई है और सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है साहिबाबाद के बाद ये ट्रेन जाएगी गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद ये जाएगी गुलधर जो स्टेशन पड़ेगा, उसके बाद दुहाई और दुहाई के बाद दुहाई डिपो। और नीचे देखिए आप क्या लिखा है, दुहाई डिपो की तरफ ये ट्रेन जा रही है। अभी जो इसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है 98 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है और प्रॉपर हम इस वक्त दुहाई की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अब सिर्फ दिल्ली के अंदर ही आप मेट्रो का लुफ्त नहीं उठा पाएंगे, फायदा नहीं उठा पाएंगे, उसके साथ साथ जो रैपिड ट्रेन है उसके सहारे आप पूरे एनसीआर में घूम सकते हैं, सफर के लिए निकल सकते हैं, अपने परिवार के साथ कहीं जा सकते हैं, अपने जो लोग व्यापारी हैं या दूर का सफर करते हैं। हमने देखा है कि
जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें कितनी ज्यादा भीड़ होती है, खचाखच लोग भरे होते हैं, दरवाजों पर लोग भरे होते हैं। और बढ़िया, आप व्यू देखिए, व्यू देखते हुए आप सीधा आगे, अभी जो पहला फेज है उसके अंदर ये दुआई डिपो तक ये जो है ट्रेन चल रही है, उसके बाद ये मेरठ तक पहुंचेगी, मेरठ के इंटीरियर को जोड़ेगी, और जो आगे इसके फेजेस हैं अलवर भी ये जाएगी, यानी कि आप दिल्ली से सरायकालेखा, अशोकनगर या फिर आप आनंद विहार से रैपिड ट्रेन में बैठिए, आप अलवर पहुंच जाएंगे। जो लंबा सफर है बेहद आसानी से आप अलवर तक पहुंच जाएंगे, पानीपत तक पहुंच जाएंगे। तो देखा आपने किस तरीके से, किस तरह के नए कोचेस हैं। आपको बता दें इस पूरे सफर के दौरान इस ट्रेन में 6 कोच हैं, जिनमें से 4 कोच स्टैंडर्ड कोच हैं, 1 महिलाओं के लिए रिजर्व है और 1 प्रीमियम कोच है। यानी प्रीमियम कोच में आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी वो भी जरा आप गौर कीजिए, देखिए किस तरह की यात्रा की सुविधाएं जनता को मिलेंगी। में इस वक्त हम मौजूद हैं और प्रीमियम डिब्बे की कुछ खास बातें हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज आपको इसके लिए जरूर देना होगा, लेकिन इसकी सीट नॉर्मल डिब्बे के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल होगी। मैं आपको बैठकर दिखाता हूँ, इस तरीके से जो सीट्स हैं वो जिस तरीके से होता है बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास, उसी तरीके से इसको भी डिजाइन किया गया है। यानी कि आप, क्योंकि लंबा सफर होगा मेरठ से दिल्ली तक का, आगे ये सफर अलवर और पानीपत में भी जाएगा, तो प्रीमियम एक तो लॉन्च होगा स्टेशन पर, आप वहां पर बैठ सकते हैं, आराम से वेटिंग एरिया होगा, और वहीं से आप थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देकर सीधा प्रीमियम डिब्बे में आ सकते हैं, जो कि ट्रेन के सबसे पहले डिब्बा होगा, और इसमें आराम से आप सीट को पीछे की तरफ कर सकते हैं, कंफर्टेबल कर सकते हैं। इसके साथ ही बिल्कुल आपकी जो सीट होगी वहां पर इस तरीके से चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, न केवल चार्जिंग पॉइंट दिया गया है बल्कि साथ में इस तरीके से यूएसबी का पॉइंट दिया गया है। और आप मान लीजिए कि आप सफर कर रहे हैं और धूप लग रही है, या फिर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इस तरीके से कर्टेन कर दें, तो ये जो विंडो है उसको आप प्रॉपर इस तरीके से कवर कर सकते हैं, और अगर लगता है कि आपको प्रॉपर नजारे देखने हैं तो आप इस कर्टेन को वापस ऊपर कर सकते हैं। इसके साथ जिस तरीके से नॉर्मल डिब्बे में है, इसी तरीके से लगेज का जो जगह है वो यहां पर दी गई है, अपना लगेज यहां पर रख सकते हैं। आप इस तरीके से जो सीट्स हैं, सीट्स में इस तरीके से हैंडल दिए गए हैं कि अगर आप इनको पकड़ने में थक गए हैं तो आप आराम से इनको पकड़कर भी अपना सफर कर सकते हैं। इसको ये जो स्वागत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवासियों को देने जा रहे हैं, और यकीन मानिए बेहद शानदार ये ट्रेन है, क्योंकि अब आप दिल्ली के एक स्टेशन से अपना सफर तय करते हुए मेरठ पहुंच जाएंगे बिना ट्रैफिक के फंसे हुए। इमरजेंसी जो पेशेंट्स हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखा गया है, स्ट्रेचर व्हीलचेयर को आप इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। साथ ही अलवर और पानीपत तक का सफर भी ये जो रैपिड ट्रेन है वो आने वाले समय में तय करेगी। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ प्रीमियम एक डब्बा रखा गया है जिसमें प्रीमियम सुविधाएं हैं। ये सिर्फ एक रेल नहीं है, पॉइंट ए टू बी नहीं है, बल्कि ये नए विकास की संभावनाओं को खोलने वाली है। वो कैसे? क्योंकि दिल्ली में लगातार व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, कंजेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और जब रैपिड रेल के जरिए मेरठ तक का रास्ता तय होगा तो बहुत से यात्री जो अब फिलहाल स्टैंडर्ड गेज पर भारतीय रेल सेवाओं की ईएमयू पर निर्भर हैं सुबह से शाम ऑफिस आने के लिए, जो बहुत सारे नेशनल 24 पे आपने देखा होगा यात्री आते हैं, उनके लिए एक विकल्प होगा। और अब ये जो है विकास की नई परिभाषा इसलिए भी गढ़ेगा क्योंकि व्यापार के लिए आप दिल्ली आइए, लेकिन रिहायश के लिए आपको दिल्ली की भीड़ से बचकर दूर मेरठ तक जाने की सुविधा है, जहां आप मेरठ जैसे इलाकों से दिल्ली डेली अप डाउन कर सकते हैं, नौकरी पेशा कर सकते हैं, बिना इस चिंता के कि कितने घंटे आपके ट्रैफिक में बीतेंगे। ये ट्रेन सीधे मेरठ से सरायकालेखा को भी जोड़ेगी। सरायकालेखा में भारतीय रेल नेटवर्क का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से पूरे भारत के लिए रेल जाती है, तो यात्री भी वहां जाएंगे, तो यात्री अगर आएंगे तो उनके साथ लगेज भी होगा, उसका भी इस ट्रेन में पूरा ख्याल रखा गया है। कैसे, देखिए जरा क्या क्या खासियत होंगी भारत की पहली रीजनल रेल के अंदर, वो एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लोगों के सफर जो है वो आरामदायक हो, इस तरीके से ऐसी सीट होंगी, आप देख सकते हैं प्रॉपर जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के अंदर जैसा सेटिंग अरेंजमेंट होता है ऐसा सेटिंग अरेंजमेंट होगा, यानी कि एक रो के अंदर टोटल 4 सीटें होंगी, 2 इस तरफ सीट होंगी और बेहद आरामदायक सीट होंगी, और 2 सीट जो है वो दूसरी तरफ होंगी, और ये फोल्डेबल सीट होंगी, यानी कि क्योंकि सफर जो है वो लंबा होगा आप सीट को पीछे की तरफ थोड़ा बेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम चार्जिंग पॉइंट की इसमें बात करें तो चार्जिंग पॉइंट जैसा कि मेट्रो ट्रेन के अंदर होता है उसके साथ यहां पर यूएसबी का पॉइंट जो है वो भी यहां पर दिया गया है।
यूएसबी का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, आप आराम से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद जो कॉर्नर सीट्स हैं उनका आप स्पेस देखिए। मेट्रो में देखा है कि दो लोगों के बैठने की जगह होती है जो कॉर्नर सीट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर और सीट इतनी आरामदायक है, प्रॉपर इस तरीके का इनको कवर किया गया है कि लंबे सफर के लिए आप बेहद आसानी से, देखिए जिस तरीके से मैं बैठा हूं, मैं आराम से इस वक्त यहां पर बैठा हुआ हूं, मेरे साथ एक और शख्स यहां पर बैठ सकता है, बीच में एक हैंडल है उसको डिवाइडर के तौर पर यूज कर सकते हैं और आगे भी दो लोगों के बैठने की यहां पर जगह है। और इसी तरीके से यहां पर भी लगेज जो है, लगेज की सुविधा के लिए यहां पर इस तरीके के स्टैंड जो है पूरी इस रैपिड ट्रेन के अंदर दिए गए हैं। इस तरीके से मोबाइल चार्जिंग, न केवल चार्जिंग पॉइंट बल्कि यूएसबी के पॉइंट जो है वो भी यहां पर दिए गए हैं। और ये जो सौगात है, खास तौर पर आप सोचिए, हमने देखा है कि जो लोकल ट्रेन चलती है, जो पैसेंजर ट्रेन होती है, उसमें कितनी भीड़ होती है। मेरठ से लोग दिल्ली पहुंचते हैं, गाजियाबाद पहुंचते हैं, खचाखच इतनी भीड़ होती है। अब उन्हीं लोगों के लिए खास तौर पर ये रीजनल रेल जो है ये तैयार की गई है, ताकि लोग अपने सफर को थोड़ा आराम से ये सफर जो है पूरा कर सके। और खास बात इसमें यह भी है कि आप एंट्री करेंगे, आप जो स्कैनर होता है उससे आप आराम से स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके आप ट्रेन के अंदर आ जाइए। तो देखा आपने किस तरीके से सुविधाएं दी गई हैं। ये रैपिड रेल सिर्फ यही सेक्शन पे नहीं चलेगी, ये पूरे दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदलेगी। एक रैपिड रेल का मॉडल डेवलप किया जा रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर सरायकाले कहां तक, एक पानीपत की तरफ जाएगी और एक अलवर की तरफ जाएगी, यानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये वो सारे राज्य हैं जिनका आगे अगले आने वाले 5 साल में विकास इस रैपिड रेल के जरिए होगा। रेल के बारे में एक माना जाता है, रेलवे स्टेशन यानी गंदा, भीड़ भाड़ वाला, लेकिन अब कोशिश इस बात की भी की जा रही है कि कैसे इसको बदला जाए, क्योंकि रैपिड एक्स के जो स्टेशन बनाए गए हैं वो आधुनिक है, नए भारत की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं और वो किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कम नहीं है। कैसे, जरा देखिए। रैपिड ट्रेन जो कि भारत की पहली रीजनल ट्रेन में है, उसमें एक और खासियत है, एयरपोर्ट की तरह यहाँ पर प्रीमियम लॉन्च बनाए गए हैं, यानी कि अगर आप नॉर्मल डिब्बे से हटके थोड़ा और आरामदायक सफर करना चाहते हैं तो आप स्टेशन पर जैसे ही पहुंचेंगे, जैसा कि फिलहाल हम साहिबाबाद स्टेशन पर हैं, यहाँ पर एक अलग से एरिया दिया गया है प्लेटफॉर्म पर, इसमें आप पहले स्कैन करेंगे, स्कैन करके आप सीधा एंट्री कर सकते हैं जो कि प्रीमियम लॉन्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं और प्रीमियम डिब्बे में बैठना चाहते हैं। यहाँ पर स्कैनर होगा, आप अपना स्कैन कीजिए, अपनी पेमेंट यहाँ पर कीजिए और अंदर आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ट्रेन आपकी यहाँ पर खड़ी होगी, मान लीजिए आपको थोड़ा आराम करना है तो इस तरीके से पूरा सिटिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है, खाने पीने की व्यवस्था है, यहाँ पर भी आप स्कैन करेंगे अपने खाने पीने का सामान आप ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर टेबल्स बनाई गई हैं, जैसा कि एयरपोर्ट पर किसी भी लॉन्च के अंदर होता है, आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, टेबल्स यहाँ पर रखी गई हैं, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है, यानी कि अगर आपको सफर से पहले थोड़ा आराम करना है, ट्रेन आपकी सामने है बिल्कुल, और यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से बैठने की व्यवस्था यहाँ पर है और खाने पीने के सामान के लिए इस तरीके से यहाँ पर जगह बनाई गई है, मशीन लगाई गई है, यहाँ पर भी आप अपना QR जो स्कैनर है उसे इस्तेमाल कीजिए, पेमेंट यहाँ पर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूसेस हैं, यहाँ पर चॉकलेट्स हैं और भी खाने पीने का सामान यहाँ पर होगा जब ये पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर बैठ के अपनी ट्रेन का आराम से वेट कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, और जब आपको लगेगा कि आपको सफर करना है, मान लीजिए आपको एक ट्रेन में नहीं जाना, आप किसी का वेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं और फिर जब आपकी ट्रेन सामने की तरफ आ जाएगी आप यहाँ से उठिए और पहला डिब्बा आपका प्रीमियम डिब्बा होगा, आप सीधा उसके अंदर पहुंचिए और प्रीमियम डिब्बे के अंदर आप सफर कीजिए। जो नॉर्मल टिकट होगी किसी भी डिब्बे की, उससे थोड़ी महंगी जो प्रीमियम डिब्बा होगा उसकी टिकट होगी। तो देखा आपने किस तरीके से नई ट्रेन नए भारत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त साहिबाबाद पहुंच सकते हैं इस ट्रेन के उद्घाटन के लिए, लेकिन उससे पहले बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी, किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के साहिबाबाद में मौजूद हैं, जहां पर भारत की प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और यहां पर बड़ी होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं। जो बड़ा सा यहां पर होर्डिंग लगाया है उस पर लिखा भी हुआ है
कि भारत का प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और ये साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलेगी ट्रेन। 17 किलोमीटर की ये ट्रेन होगी, इसका रास्ता 17 किलोमीटर का होगा। आपको बता दें कि इस पूरी ट्रांजिट सिस्टम का नाम नमो भारत रखा गया है और अगर इसकी पूरी दूरी की बात करें तो वो 82 किलोमीटर की है जो दिल्ली से चलकर मेरठ तक जाती है और इसके बीच में कई अन्य स्टेशन आते हैं जैसे गाजियाबाद हो गया, साहिबाबाद हो गया, मोदी नगर हो गया, कई जो महत्वपूर्ण शहरी स्टेशन है वो इसमें पड़ेंगे और ये पूरी तरह से ऑपरेशनल जो है वो 2025 में हो जाएगी। ठीक मेरी दाहिनी तरफ जो है यहाँ से साहिबाबाद का वो RRTS स्टेशन भी है जहाँ पर पहले प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो खुद टिकट लेकर ट्रेन के अंदर जाएंगे और उस ट्रेन के अंदर खुद सफर भी करेंगे। लगभग आधे घंटे की वो जर्नी होगी आने और जाने की, जिसमें प्रधानमंत्री को इस ट्रेन की खासियत के बारे में बताया भी जाएगा। ये पहली ऐसी कनेक्टिविटी है जो काफ़ी मदद जो है दिल्ली से मेरठ जो लोग जाएंगे उनको करने वाली है। लगभग इसका जो टारगेट है वो ये है कि लगभग 8 लाख लोगों को प्रतिदिन जो है उनको सुविधा प्रदान करना। अगर जो रिपोर्ट्स हैं उसकी बात करें तो हर 15 मिनट में ये ट्रेन जो है वो अवेलेबल होगी और धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी निर्भरता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी फ्रिक्वेंसी 5 मिनट तक कर दी जाएगी। तो आज कहीं ना कहीं अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी की दुनिया में एक क्रांति के तौर पर इस रैपिड तो देखा आपने किस तरीके से भारत की रैपिड रेल की शुरुआत होने वाली है, मेरठ दिल्ली के करीब होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।